5 7। आप सभी को इस फोन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, इसलिए आज मैं आप सभी के सामने इसका फर्स्ट इंप्रेशन लेके आया हूँ। आप देख ही सकते हैं कि कंपनी ने इसे बेहद ही शानदार तरीके से बनाया है। इसकी लुक्स बेहद ही तारीफ के लायक है। पीछे आपको ग्लास मिलेगा, साइड्स में ये प्लास्टिक फ्रेम दिया है और नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB स्लॉट, 3.5 ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल्स मिलेंगे। अगर आप इस फ़ोन को पूरी तरह से देखेंगे तो ये आपको काफ़ी हद तक ऑनर के 9 लाइट की तरह दिखाई देगा। वहीं बात करें इसके सबसे अट्रैक्टिंग पॉइंट यानी डिस्प्ले की, तो आपको बता दूं कि कंपनी ने इसमें मुहैया कराया है 6.2 इंच का डिस्प्ले, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि नॉच डिस्प्ले दिया है जो कि आपने आईफोन 10 में देखा है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको बता दूँ कि वीवो ने भी अपना नॉच डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च किया है और मैं डेफिनेटली आपको इस फ़ोन का उसके साथ कंपैरिजन दिखाऊंगा। ये डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन से लैस है और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही साथ इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें दिया है हीलियो P60 चिपसेट, 4 GB की रैम है, मैं एक बार आपको ये सब चीज़ें दिखा देता हूँ, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है, आपको इसमें OTG सपोर्ट भी मिलेगा और इसमें दिया है एंड्रॉयड ओरियो विद कलर OS 5.0। इसमें आपको जो इंटरनल स्टोरेज जो आपको मिलेगी उसमें 49.1 GB आप यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसमें 3400 mAh की बैटरी मिलेगी आपको। वहीं कैमरा सेक्शन की बात की जाए तो हमेशा ही ओप्पो सेल्फी कैमरा के लिए माना गया है, इसलिए इस बार भी आपको इसमें एक तगड़ा सेल्फी कैमरा मिल रहा है। जी हाँ, इसमें आपको मिलता है 25 MP का फ्रंट कैमरा। हालांकि अभी थोड़ी लाइटिंग सिचुएशन ख़राब है इसलिए आपको कैमरा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमें पूरी यकीन है कि कैमरा बेहद ही शानदार होगा। शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है। इसमें कुछ आपको AR स्टिकर्स भी मिल जाएंगे। वहीं रियर कैमरा देखें तो ये आपको मिलता है 16 MP का रियर कैमरा। शटर स्पीड इसकी भी काफ़ी फास्ट है, मैं आपको टेस्ट दिखा दूँ कैमरा का। आप देख सकते हैं कैमरा काफ़ी फास्ट है। क्वालिटी वाइज अभी हम जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये ठीक लग रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने इसके स्पेसिफिकेशन एकदम ठीक रखे हैं, पर प्राइसिंग के हिसाब से ये थोड़ा सा महंगा माना जाएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी दमदार स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन्स मिल जाते हैं। पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि ये फ़ोन ऑफलाइन मार्केट के लिए डिज़ाइन किया गया है और ऑफलाइन में आपको इस स्पेसिफिकेशन वाला प्राइस इतनी आसानी से नहीं मिलता। रेडमी नोट 5 प्रो जो है वो मार्केट में आ चुका है, लेकिन उसे खरीदने के लिए आपको कई सारी फ्लैश सेल से गुजरना पड़ता है और ऑफलाइन में भी आपको अभी ठीक से वो मिलता नहीं है। और अगर आप ऑफलाइन में एक स्मार्टफोन तलाश रहे थे तो आप इस फ़ोन को एक बार कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा ओप्पो F7 वर्सेज वीवो V9 ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।